नमस्कार, मैं नीति सैन। जहांगीरपुरी इलाके में अज्ञात बदमाशों ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बता दें कि युवक शाम के समय खाना लेने के लिए अपने घर से निकला था, जिसके चलते कुछ अज्ञात बदमाशों ने पीछे से आकर युवक पर चाकू से कई वार कर दिए, जिसके चलते आरोपी वहां से फरार हो गए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। मनीष, बताओ क्या घटना घटी आप सब? सर, मैं मार्केट में अंडे लेने गया था, तो वहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ गया था। एक लड़का हमारे लिए रहता है, तो उसको लेके मैं मार्केट में गया। मार्केट में लाके तो मैंने स्कूटर खड़ा किया उसकी एडी के सामने, तो लड़का तो उसी पे बैठ गया, मतलब तो मेरे साथ गया था। मैं थोड़ा आगे पेशाब करने गया, तो पेशाब करा वहाँ पे, थोड़ा आगे चला था तो पीठ पे से मेरे पे, मतलब 8-10 लड़कों ने ऐसा वो करा, पीछे से चाकू चाकू मारे मेरे। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं किधर भागा किधर गया, तो बाद में वो लड़का मुझे हॉस्पिटल ले गया जो मेरे साथ था। तो जब वो लड़का मुझे बचाने आ रहा था, तो उसके ऊपर ही मतलब माथे पे अपना कट्टा पिस्टल कुछ भी था उनके पास, वो लगा देखे तो उसे बचाने जा रहा है, तो वो बेचारा वो भी पीछे गली से भाग के फिर मुझे हॉस्पिटल ले गया। तो क्या उनको जानते हो आप कभी? उनको नहीं, मैं मेरा कोई उनसे वास्ता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कभी कभी कुछ नहीं। तो फिर हॉस्पिटल किसने पहुँचाया आपको? वो मेरे दोस्त था जो मेरे साथ था, वही लेके गया था मेरे बैटरी रिक्शे में। स्कूटर सब वहीं छोड़ा हुआ था हमने। कितने बजे घटना हो गई करीब? 10-10:15 बजे की बात है। मेरा नाम नानक चंद पाल है जी। नानक जी, क्या घटना हुई अपने? घटना कही है, कल परसों बच्चा जो है रात को 10 बजे अपना जिम से आकर के और जो है अंडे खाने गया था मार्केट में, तो वहाँ जो है कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर के बच्चे पे जो चाकुओं से हमला कर दिया और पुलिस कार्रवाई हो नहीं रही है। तो पुलिस कुछ कार्रवाई करे तो वो पकड़े जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो आए दिन इन घटनाओं को अंजाम देते रहते और पुलिस जो अपने हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। उसको किसी का नाम बताओ? नाम वाम अगर फिर पता होता तो हम ही ना पुलिस को बता दे, या खुद हम भी कार्रवाई कर सकते हैं। इतना तो नहीं है कि भाई हमारे को कोई चोटिल करे और फिर हम चुपचाप बैठे रहे, अब ऐसे किसको जाकर पकड़ लें? क्या अभी कोई पुलिस ने गिरफ्तारी करी है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं करी है, एक दो जो है नाबालिग बच्चे पकड़े जो है ही नहीं इस चीज़ में, मैनों को तो अभी पकड़ा ही नहीं है। तो मतलब जो जो जिन्होंने मारा उनको पकड़े नहीं, नाबालिग को उठा के बंद कर दिया? हाँ, वो अपना केस अपना दिखाने के लिए कि भाई हमने कार्रवाई करी है, तो कार्रवाई तो जब करे ना कि भाई जो वहाँ के बताने वाले, अब हमें तो ये नहीं पता ना कि भाई कौन थे क्या थे, अब नाम है नाम बता रहे, अब नाम तो जो है हो सकता है चार नाम बताए, चार नामों से दो तो जरूर होंगे, क्योंकि क्या मांगे आपने, आप बता सकेंगे? हमारी तो ये मांगे कि उनको पकड़ा जाए और ये वारदातें हैं आगे किसी, आज हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, कल को किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो मेरी तो पुलिस वालों से यही दरखास्त है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़े और सजा दिलवाए। एक मेरा भाई है मनीष, तो उसको मतलब खाना खाने के लिए मैं सामान लेने गया था, तो देखा जाए तो मतलब बिन वजह, मतलब वो किसी से बोलता ना चलता, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। वो लोग आए, उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं और पीछे से मतलब उनको मारना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। एक साथ में लड़का था, वो ना होता तो वो वहीं पड़ा रहता, वो उसको हॉस्पिटल लेके गया। जब जाके उसने बुलाया, कम से कम 8-10 लोग थे उसमें, सबके पास हुए हैं। उसमें सिर्फ 3 हुए हैं, वो भी नाबालिग के तौर पे, जो मेन अक्यूज्ड है वही अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। जिन्होंने मारा है उनमें से कोई सा गिरफ्तार नहीं अभी तक नहीं हुआ, और उनके आए दिन के चर्चे रहते हैं। तो आपके क्या मांगे हैं? ये तो पुलिस के ऊपर है ना कि पुलिस एक्शन ले रही, ये तो फिर यहाँ से इसको वो करके मेन उसमें ACP उसमें भेजा जाए, DSP का भेजा जाए, वो अच्छा लेंगे तभी तो एक्शन होगा ना। यहाँ पे यहाँ की पुलिस सुस्त बैठी है, सिर्फ नॉर्मल लोग जो होते छोटे मोटे लोग, सिर्फ उनसे पैसा लेने का जरिया है, जो मेन अक्यूज होते हैं उनको छोड़ देते हैं, पता है कि कौन है लेकिन कुछ नहीं करते। जहांगीरपुरी में अपराधियों के हौसले बुलंद, अंधेरा होते ही इलाके में करते हैं वारदात। जहांगीरपुरी के रहने वाले एक युवक पर 8-10 अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त चाकुओं से वार कर दिए, जिस वक्त युवक खाना लेने के लिए होटल पर जा रहा था, लेकिन
पीछे से आए अज्ञात हमलावरों ने उस पर लगातार 8 से 10 चाकुओं से वार कर दिए, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे जहांगीरपुरी के जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि युवक पर अज्ञात हमलावरों ने वार किए, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। इस मामले को लेकर अब जहांगीरपुरी थाना पुलिस की टीम CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।